बेटा, आज डेट है 19 और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपकी लेसन नंबर 8 तितली और कली कविता से ही मैंने पेज नंबर 48 और 49 लिया है। तो मेरे साथ पढ़िए। देखिए ऊपर लिखा है महके सारी गली गली और हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। तो कौन सी महक अच्छी है और कौन सी बुरी, तो मैं पढ़ती हूँ। अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे, खुशबू, और बुरी लगने वाली महक को हम कहेंगे बदबू। नीचे भी लिखा है ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो एक तरफ लिखा है बेटा पसंद है, तो पसंद है में क्या है, जैसे नहाने का साबुन होता है वो पसंद होता है। फिर है चमेली के फूल, कॉफ़ी की खुशबू और खाने की खुशबू, ये सब क्या है, पसंद होती हैं। और पसंद नहीं है दूसरी साइड में लिखा है, तो कौन कौन सी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, जैसे कपड़े धोने का साबुन कि महक अच्छी नहीं लगती, पसीने की बदबू, गंदी जुराबों की और कूड़े की बदबू, ये पसंद नहीं होती है। फिर है नीचे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। तो कौन कौन से होती है बेटा फूलों की महक, जैसे कि मोगरा, मोगरा बहुत तेज महकता है, और गुलाब और चमेली, ये तीनों फूलों की खुशबू बहुत तेज होती है। फिर आपको एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ, आंसर आपको खुद से लिखना है। इसमें लिखना है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो फूलों के नाम तो आपको आते हैं, उसको अपने कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। निकालिए पेज नंबर 49। अब मैं 49 पढ़ाऊंगी तो आप मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों निकालिए अपनी बुक में, पेज नंबर 49 है और ऊपर लिखा है तुम्हारी बात। अब देखो उसमें क्या लिखा है, लिखा है खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी, तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों। तो देखिए एक साइड में लिखा है जागेंगे, तो किस काम के लिए जागेंगे, नंबर वन स्कूल जाने के लिए, फिर खेलने के लिए, नंबर थ्री है घूमने के लिए या सैर करने के लिए, फिर है कार्टून देखने के लिए। ये तो आप लोग जागेंगे, और जगाने पर जो नहीं जागेंगे वो कौन से काम है, जैसे होमवर्क करने के लिए, बाजार जाने के लिए, ठंडे पानी से नहाने के लिए और दोस्तों के घर जाने के लिए। ये तो था आपका जागेंगे और नहीं जागेंगे। फिर नीचे लिखा है रंग बिरंगी, क्या होती है रंग बिरंगी, तितली होती है। लिखा है हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है, नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती हैं। तो इसमें नाम लिखे हुए हैं, तो बताओ किन किन रंगों में होती है तितली। ये बच्चों आपको खुद से काम करना है, तितली कौन से रंग में होती है, बैंगन, पेंसिल, तितली वैसे तो रंग बिरंगी होती है, बैंगन बैगनी होता है, पेंसिल कोई भी कलर लिख सकते हैं, कुर्ता कुर्ते का भी कोई सा भी कलर होता है, संतरा संतरा तो नारंगी या संतरी होता है, सूरजमुखी का फूल कैसा होता है, पीला होता है, लड्डू भी पीले होते हैं, प्याला कोई सा भी कलर होता है प्याले में,
और साग, साग तो हरा होता है। मिट्टी, मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी मिट्टी कलर की होती है या काले कलर की होती है? आप अपनी तरफ से लिखना मिट्टी कैसे कलर की होती है। तो बच्चों ये तो आपका काम था, इसको बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और इसको याद भी करते हुए चलना है। जितना भी अभी तक काम कराया है आपको, वो सभी कुछ याद करना है। आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है बच्चों, ठीक है?